देखिए पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन क्या होता है कि आपने भी ट्राइंगल लॉ पढ़ा है कि एक वेक्टर ये रहा आपका, ठीक है, और दूसरा वेक्टर आपका इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में आपका, ठीक है, तो आपने पढ़ा कि ये आपका रिजल्टेंट इस डायरेक्शन में हो गया, ठीक है ना, ये आपका रिजल्टेंट हो गया, ये आपका ए वेक्टर या आपका बी वेक्टर, तो इस डायरेक्शन में ये आपका रिजल्टेंट वेक्टर है, ठीक है ना, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर है आपका ये, ठीक है। तो अब आपको क्या देखो, आप पैरेललोग्राम लॉ क्या कहता है, आपको पता है कि मैं वेक्टर को पैरेलली शिफ्ट कर सकता हूँ, तो इस वेक्टर के पैरेलल में यहाँ पर ड्रॉ कर दूं तो कोई फर्क थोड़ी नहीं पड़ेगा, बी वेक्टर, ये भी बी वेक्टर है एकदम सेम लेंथ का और इसके पैरेलल, ठीक है ना, ये दोनों लाइन एकदम पैरेलल और सेम लेंथ की, तो फिर ये भी लाइन अगर मैं ज्वाइन कर दूंगा तो ये पैरेललोग्राम लॉ कंप्लीट हो जाएगा, कि बताओ पैरेललोग्राम कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है ना, ये वेक्टर भी सर बेसिकली ए वेक्टर के बराबर ही आ जाएगा क्योंकि डायरेक्शन वही रहेगी और मैग्नीट्यूड वही रहेगा, ठीक है। लेकिन पैरेललोग्राम कंप्लीट होने के साथ आपको ये भी पता है कि ये क्या है, आपका आर वेक्टर है ना, रिजल्टेंट आर वेक्टर क्या है, आपने जो अभी ट्राइंगल लॉ पढ़ा है उससे, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर फ्रॉम ट्राइंगल लॉ वेक्टर एडिशन, ठीक है। तो आप देखिए पैरेललोग्राम लॉ क्या कहता है, केवल इतना सा कहता है कि इफ टू वेक्टर्स आर रिप्रेजेंटेड कंप्लीटली बाय टू एडजेसेंट साइड्स ऑफ ए पैरेललोग्राम, ठीक है, बाय टू एडजेसेंट साइड्स ऑफ ए पैरेललोग्राम देन देयर रिजल्टेंट विल बी रिप्रेजेंटेड बाय डायगोनल ऑफ द सेम पैरेललोग्राम, ठीक है, विल बी रिप्रेजेंटेड बाय डायगोनल ऑफ द सेम पैरेललोग्राम व्हिच इज पासिंग थ्रू द इंटरसेक्शन ऑफ बोथ वेक्टर्स। तो डायगोनल तो दो थे बट ये दोनों के टेल्स इंटरसेक्शन से पास नहीं कर रहा था ये वाला, ठीक है, तो इसलिए आपका ये आर वेक्टर किसको रिप्रेजेंट करेगा, रिजल्टेंट को रिप्रेजेंट करेगा, ये आप ऑलरेडी ट्राइंगल लॉ से भी जानते हैं कि आर वेक्टर क्या रिजल्टेंट थी, ठीक है ना, बट आपको इससे क्या एक रफ आइडिया हमेशा मिल जाएगा, जो मैंने लॉ बोला है कि इफ टू वेक्टर्स आर रिप्रेजेंटेड बाय एडजेसेंट साइड्स ऑफ ए पैरेललोग्राम देन देयर रिजल्टेंट विल बी रिप्रेजेंटेड कंप्लीटली बाय डायगोनल ऑफ दैट पैरेललोग्राम, ठीक है, बाय डायगोनल ऑफ दैट पैरेललोग्राम व्हिच इज पासिंग थ्रू द इंटरसेक्शन ऑफ बोथ वेक्टर्स, ठीक है। तो ये आपका एक क्या इंपॉर्टेंट चीज बताता है, कि ये क्लियरली बताता है कि मान लो आपका एक वेक्टर इधर है और एक वेक्टर इधर है, ठीक है ना, दोनों की टेल आपने सेम पॉइंट पे कर रखी, नहीं भी थी तो आपने शिफ्टिंग से कर ली, अब आपसे पूछा है ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर किधर होगा, तो पैरेललोग्राम लॉ आपको ये बता देता है कि बेटा इन दोनों का रिजल्टेंट इधर नहीं हो सकता, इन दोनों का रिजल्टेंट इधर भी नहीं हो सकता, इनके बीच में कहीं पर ऐसे ही कहीं जाके होगा इनका, तो ये आपका रिजल्टेंट हो सकता है बट ये दोनों नहीं हो सकते। जसवंत आ रही बात समझ में, जैसे ये दो वेक्टर्स हैं, ठीक है ना, मान लो ये पार्टिकल पर दो फोर्स इस तरीके से लग रहे हैं F1 F2, तो आपको ये पक्का बताए कि ये पार्टिकल इधर नहीं जा सकता, ये पार्टिकल इधर नहीं जा सकता, बीच में कहीं जा सकता है, क्योंकि ये पैरेललोग्राम तो बीच में ही बनेगा ना बेटा, कहीं समझ रहे हैं, तो यस ये बिल्कुल एक सर पॉसिबल डायरेक्शन है दोनों फोर्सेस की बट ये दोनों नहीं, ठीक है ना, आप कितने ही बना लीजिए, बहुत इजी है पैरेललोग्राम लॉ, ये आपको एक रफ आइडिया जरूर देगा कि मान लो आपने ऐसे बना दिया, ठीक है, तो आपसे कोई पूछे क्या इधर जा सकता है, क्या बिल्कुल नहीं जा सकता, क्या इधर जा सकता है, बिल्कुल नहीं जा सकता, बीच में कहीं आए, वो एग्जैक्ट किधर होगा वो सब अभी अपन निकालेंगे एनालिटिकल मेथड से फार्मूले, ठीक है, बट थोड़ा सा टेल सेम पॉइंट पे करते ही रिजल्टेंट का रफ एस्टिमेट थोड़ा सा आपको ये पैरेललोग्राम लॉ दे दे रहा है, इसलिए इसकी काफी इंपॉर्टेंस है इसकी भी, बट निकला कहाँ से, सारा सब कुछ ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन से है, ठीक है, इसमें कोई डाउट तो नहीं बेटा आपको, बताइए, नो सर ठीक है। तो अब हम आ रहे हैं नेक्स्ट पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन पे, ठीक है, तो पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन क्या होता है देखिए एक बार।